शुक्रिया जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ख्वातीन और हज़रात, मैं पहले तो आज ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि उस्मान बुज़दार को क्यों मैंने चूज़ किया पंजाब का वज़ीर आला। हर किस्म की मैं देखता हूँ मीडिया में तनकीद होती है उस्मान बुज़दार के ऊपर, मेरे से कम होती है लेकिन होती है, और बड़े एक कैंपेन चलती है कि वज़ीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए, और मुझे अफसोस होता है कि किसी ने आज तक ये इवैल्यूएट किया ही नहीं कि क्या उनकी 2.5 साल में असल में परफॉर्मेंस क्या है, और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले वो हॉलीवुड का एक्ट्रेस बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था, उसके और इसके कभी मुकाबला किया ही नहीं। मुआजना तो करें कि उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप एक एक चीज ले लें, और वज़ीर आलम का सबसे ज्यादा काम क्या है कि सबसे अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाना। जब इवैल्यूएशन होती है तो ये देखा जाता है कि किसने अपने कमजोर और गरीब तबके को मदद की, ये है इवैल्यूएशन। ये नहीं है कि वो अरबों अरबों रुपए अपनी सेल्फ पब्लिसिटी में, तस्वीरों में, हर रोज इश्तिहारों में खर्च कर दे, मीडिया को रिश्वत दे और अपनी पब्लिसिटी करवा ले। असल में इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि किसने अपने कमजोर तबके की मदद की। देखें, क्योंकि मैं अभी आता हूं, असल तो आज हमारा एक बड़ा हिस्टोरिकल आज इवेंट है साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट का। उस पे आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों आया। एक आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, ज्यादातर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कोई जानता ही नहीं था पॉलिटिक्स से पहले, मैं तो वो था जिसको सब जानते थे और अचीव कर चुका था, बड़ा नाम था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था, कोई जरूरत नहीं थी किसी काम करने की, ना भी कोई काम करता तो आराम की जिंदगी गुजार सकता था। मैं सिर्फ इसलिए आया कि मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका मुल्क का खून चूस रहा है, इसको एलीट कैप्चर कहते हैं, एक छोटी सी रूलिंग एलीट पाकिस्तान के सारे वसाइल के ऊपर भी कब्जा करके बैठी हुई है, उनके लिए एक पाकिस्तान, अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान, कानून उनके लिए और, पाकिस्तानियों के लिए और कानून, वो चोरी करें, करप्शन करें, उनकी डील्स होती थी, एनआरओज होते थे, उनको पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम कुछ नहीं कहता था, वो चोरी करते थे फिर आप वापस आके चोरी करते थे, मुल्क के वसाइल को बाहर भेजते थे, बड़े बड़े बाहर महलात, क्योंकि मैं लंदन को जानता हूं बड़ी अच्छी तरह, कितने साल मैंने वहां क्रिकेट खेली, तो मुझे तो पता है कि इन्होंने किस पाकिस्तान लंदन के महंगे तरीन इलाकों में इन्होंने महलात लिए हुए हैं, वो कितने महंगे हैं, वहां के उधर के भी वजीर उन इलाकों में नहीं इस तरह के महल ले सकते, उनका वजीर आजम के पास इतना पैसा नहीं उन इलाकों में रहने का जिधर हमारे यहाँ वज़रा और हमारे हुक्मरान यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, लेकिन कानून नहीं पकड़ता उनको। और फिर
जो वसाइल भी हैं, इंग्लिश मीडियम, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ उनकी, प्रिविलेज पोजिशन उनके, ओहदे उनके, बाकी अवाम के लिए उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, एक तबकाती निज़ाम जिसमें हमारे नीचे से तबका ऊपर ही नहीं आ ही नहीं सकता। जितनी मर्जी मेहनत करें उनके लिए एक सीलिंग होगी कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। बस ये सिर्फ एक छोटे से तबके के लिए सारा पाकिस्तान बना हुआ है। फिर इलाके पाकिस्तान के, जो तो हुक्मरान के करीब इलाका है उधर ही पैसा खर्च हो रहा है, जितना ताकतवर है वो पैसा खींच रहा है, और जो ये इलाके दूर हैं पावर सेंटर से वो पीछे रह गए। तो उस्मान बुज़दार को जब मैं, हमारी 2018 में इलेक्शन जीते, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं किस तरह का पंजाब चाहता हूँ, उसी तरह का मैं वज़ीर आला चाहता हूँ। मैं वो पंजाब चाहता हूँ जिधर सबसे पहले पंजाब के वो इलाके जो पीछे रह गए हैं, किसको तकलीफ होगी, समझ होगी कि ये उन इलाकों के अंदर कितने बुरे हालात हैं, और फिर किस में दर्द होगी अपने गरीबों के लिए, किस में ये तकलीफ होगी उनकी, कौन फी एम्पथी होगी, कौन उनके लिए सोचेगा। हालांकि उस्मान बुज़दार हमारी पार्टी में भी नहीं थे, बाद में आए थे, लेकिन मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि मैं एक उस आदमी को लाना चाहता हूं जो मेरी सोच जो है पंजाब के ऊपर उसके ऊपर पूरी तरह अमल करे। ये ना हो कि वो भी यहाँ से पैसे चोरी कर कर के वहाँ बड़े बड़े लंदन के फ्लैट ले और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके और टीटीज लगवाए यहाँ। वो आदमी मुझे चाहिए था जो पाकिस्तान में जिसका जीना मरना हो, जिसको कोई छुट्टियों के लिए लंदन ना जाना पड़े, जिनकी छुट्टियाँ भी बाहर, ईद भी बाहर, बच्चे भी बाहर रह रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस हैं बाहर, पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कर रहे हैं, सरमायाकारी बाहर कर रहे हैं मुल्क से, लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ, अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। मैं चाहता था वो आदमी जो हमारी लोगों की दुख और दर्द में शामिल हो, उनको समझे, और जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। और मुझे कभी इस चीज़ में शक नहीं है कि इंशाल्लाह 5 साल के बाद जो हमें मैंडेट मिला है, उसके बाद जब पंजाब का इवैल्यूएशन होगी, तो मैं आपको यकीन अभी दिलाता हूं कि जो पंजाब में निचले लोगों को ऊपर जिस तरह लाया जाएगा, जो लाया जा रहा है, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पंजाब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मैंने जब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया, तो मैंने इनको टेस्ट किया। मुझे जब आता था वहाँ से, पुराना, जब से मुझे याद है, जीटी रोड से जब ऊपर आ रहे होते थे, वो रावी का पुल क्रॉस करते थे, तो जब दाता साहब के सामने गुजरते थे, वहाँ फुटपाथ के ऊपर रात को लोग लाइनों में सोए हुए होते थे, उनके ऊपर डीजल, वो बड़ी बड़ी ट्रक रात को आते थे, उनकी सारा धुआं आ रहा है उनके ऊपर, गंदगी है सारी ऊपर। कभी किसी ने नहीं सोचा उनका कि ये बेचारे, ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं। तो मैंने उस्मान बुज़दार को कहा, मैंने कहा वो जो लोग आपने देखे हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक पनाहगाह बनाएं, और आप यकीन करें कि दिनों के अंदर इसने पनाहगाह बनाई, क्योंकि इसके अंदर दर्द थी। और फिर जो बाकी काम हो रहे हैं पंजाब में, हेल्थ कार्ड है, सब डरते हैं जी वो हेल्थ कार्ड में इतना पैसा खर्च होगा। आप ये चीज़ें जानते हैं, क्योंकि मेरा 15-20 साल मगरब में गुजरे हैं, अमीर तरीन मुल्कों में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दी जाती मुफ्त। अमीर तरीन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। इनके अंदर थोड़े लोगों की मुखालफत भी थी, वो डरे हुए थे कि नहीं जी हम सारे पंजाब को हेल्थ कार्ड कैसे देंगे, किधर से पैसा आएगा। ये मेरा ईमान है, जब आप अल्लाह का काम करते हैं पैसा खुद ही आ जाता है। आज उस्मान बुज़दार
60% है पंजाब पाकिस्तान का। ये उन्होंने पूरा जोर लगा रहे हैं कि सारे दिसंबर तक हर पंजाब के शहरी, हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कि जब भी कोई खानदान में बीमार होता है तो किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। देखें, आपके घरों में अगर बीमारी कभी खुदा ना खास्ता आई हो तो सबको पता होता है कि जब घर में बीमारी होती है किस तरह की बेबसी घर में होती है। अब वो सोचे कि जो गरीब घर में जब बीमारी होती है, एक बीमारी की बेबसी है, एक फिर उनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए। ये सोच के, ये देख के शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल मैंने बनाया था कि हमारे जैसे, मेरे घर में इतनी तकलीफ थी कैंसर की, जब वालदा को कैंसर हुई तो तब मैंने सोचा गरीब घरों में क्या हो रहा है, क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा इलाज होता है, तो गरीब तो या तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कैंसर का इलाज। ये थी सोच कैंसर हॉस्पिटल के पीछे, और हेल्थ कार्ड के पीछे भी यही सोच है। पख्तूनख्वा ने किया, अब ये पंजाब दूसरा सूबा होगा कि साल के आखिर तक सारे पंजाब में हेल्थ कार्ड जाएगा। हर घर में, गरीब घर में उनको ये एतमाद होगा कि अगर कोई बीमारी होगी तो हमारे पास एक कार्ड है, हम जाके इलाज करवा सकें। और दूसरा, आज मुझे ये खुशी हुई कि किसान कार्ड, ये आज हमने लॉन्च किया किसान कार्ड, ये भी पंजाब ने पहल की है, अभी कहीं किसी सूबे में नहीं आया। हेल्थ कार्ड तो आ गया पख्तूनख्वा में, किसान कार्ड आज पंजाब ने पहल की है कि ये अब जाके किसानों की जो अब मदद होगी, डायरेक्ट उनको सब्सिडी दी जाएगी। छोटे 97% पाकिस्तान का किसान छोटा किसान है, जब उसकी आप मदद करेंगे तो मुल्क में पैदावार बढ़ेगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। ये पहली दफा किसी ने पाकिस्तान के अंदर इस चीज का सोचा है। मैं मुबारक देता हूं फिर आपको उस्मान बुज़दार कि आपकी गवर्नमेंट ने ये चीज सोची है। जब हम पख्तूनख्वा में आए तो मैं यही मुखालफीन जो आज कह रहे हैं कि जी किधर है रियासत मदीना, यही मुझे कहते रहे 5 साल बल्कि 4 साल कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा। और सब ने मुझे कहा कि जी अब आप भूल जाए, पख्तूनख्वा के लोग सिर्फ एक दफा आपको मौका देते हैं, दूसरा मौका नहीं देते, सारी जमातों को एक दफा के बाद फारग कर देते हैं वो। तो मैंने ये 4 साल लोगों से ये सुना, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया 2/3 अक्सरियत मिली पख्तूनख्वा में। क्यों मिली? यूएनडी की रिपोर्ट आ गई। अब यूएनडी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सूबा वॉर ऑन टेरर की वजह से पीछे रह गया था 2013 में, जब हमारी हुकूमत आई 2013 से लेकर 2018 तक, जिस सूबे में सबसे तेजी से ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों के ऊपर खर्चा हुआ वो था, और जिस सूबे ने सबसे तेजी से गुर्बत कम की वो पख्तूनख्वा था, और जिस सूबे में अमीर और गरीब में फर्क कम हुआ वो पख्तूनख्वा था। इसलिए लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी, और इंशाल्लाह 5 साल के बाद पंजाब में लोग ये याद रखेंगे। ये नहीं कि वो बड़े बड़े शहरों के अंदर अमीर लोग कैसे रह रहे हैं, वो ये देखेंगे कि पंजाब के गरीब लोगों की किसने मदद की। जो उस्मान बुज़दार का इलाका है वो सारे पंजाब में सबसे पसमानदा इलाका है डीजी खान का, और डीजी खान से भी, जो डीजी खान का कबायली इलाका है वो और भी पीछे है जिधर से वो उस्मान बुज़दार आता है। तो इसलिए जो आज इसने पैकेज अनाउंस किया आपके लिए, मुल्तान के लोगों के लिए, मुझे ये बड़ी खुशी है कि अब ये सोच आ गई है कि हमने सारे इलाके की डेवलपमेंट करनी है, सिर्फ एलीट के इलाकों की डेवलपमेंट नहीं करनी। लाहौर के अंदर भी डेवलपमेंट जो की गई थी वो उन इलाकों में थी जिधर जिधर सबसे ज्यादा, तो जो तख्ते लाहौर का रॉयल खानदान बसरा था वो उन्होंने पब्लिक के इतना पैसा अपना बाहर रखा हुआ है, और उसकी डेवलपमेंट अवाम के टैक्स के पैसे से की सारा रायवंड के इलाके में। ये अब हम सारे इलाकों में, और पाकिस्तान, मेरा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के जो इलाके पीछे रह गए हैं, कबायली इलाका, जो जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बलूचिस्तान के इलाके, अंदरून सिंध,
ये जो साउथ पंजाब है, मेरी पूरी अब कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो भी हमारे कदम उठाए गए हैं, जो भी हम जिस तरह भी अपना बजट बनाएं, हमारे कमज़ोर और गरीब इलाके ऊपर आए। अब मैं आता हूँ जिसके लिए ये हमारी फंक्शन है, साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट। देखें, अब तो आज तो मुल्तान के सेक्रेटेरिएट का मैंने ओपनिंग की है, इंशाल्लाह बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट के भी मैं अगली बारी ओपनिंग करूँगा। मेरा इस पे राय पहले दिन से ये थी कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, क्योंकि मैंने ये सारे इलाके अपनी 15 साल तो हमारी पार्टी बड़ी छोटी सी पार्टी थी, बल्कि मुझे याद है मैंने शाह महमूद को भी दावत दी थी पार्टी में आने के लिए, लेकिन शाह साहब ने तब देखा कि अभी थोड़ा सा ज़रा ठहर जाओ, मैं तुम्हें देखूंगा क्या करते हो। तो सुने तो सारे पाकिस्तान में फिरा, कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं जो मैंने 15 साल में नहीं गया। और मैं साउथ पंजाब में गलती से जब दौरे 2 दफ़ा किए तो वो जुलाई का महीना था, और मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी साउथ पंजाब में है, और बिजली भी चली जाती थी तो रात को नींद भी नहीं आती थी क्योंकि लोड शेडिंग थी तब। लेकिन वाज़े था कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, और अब स्टेटिस्टिक्स इस चीज़ की गवाही देती हैं कि 33% की आबादी साउथ पंजाब की, और सिर्फ जो बजट एलोकेशन थी वो 17% थी। हाशिम ने मुझे फिगर्स दिए हैं कि 7 सालों में जो साउथ पंजाब को का जो बजट था, जो होना चाहिए था, उसकी रीएलोकेशन हो गई वापस शहबाज शरीफ ने जिधर फैसला किया, क्योंकि वो तो एक आदमी फैसला करता था। तो उसमें साउथ पंजाब ने 7 सालों में 260 अरब रुपया का नुकसान हुआ, जो पैसा यहां खर्च होना चाहिए था वो कहीं और खर्च हुआ, साउथ पंजाब का पैसा था। तो इसलिए साउथ पंजाब के लोगों की इतनी ख्वाहिश है ये कि साउथ पंजाब का अलहदा सूबा बने, और यही आपके सामने है ये स्टेटिस्टिक्स कि 260 अरब रुपया जो 7 साल में साउथ पंजाब में खर्च होना चाहिए था वो कहीं और खर्च हुआ। और दूसरी चीज़ नौकरियां, कि एक 33% अगर सूबे का साइज है, उसकी आबादी है, तो उसको उसी के मुताबिक नौकरियां मिलनी चाहिए, उसका कोटा होना चाहिए। तो ये भी आज फैसला हो गया है कि साउथ पंजाब को उसके साइज, उसकी आबादी के साइज के मुताबिक उसको नौकरियों के अंदर कोटा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि साउथ पंजाब के लोगों के लिए आसानी, वहाँ रहीम यार खान से, भावल नगर से, भावलपुर से, या मुल्तान से लाहौर जाना ज़्यादा बेहतर है कि इधर आपके मसले मसाइल का हल हो, आपके फैसले हों। तो ये हर तरह ये सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है, और इंशाल्लाह पहला मौके पे ये हम जाके इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे कि साउथ पंजाब का अलहदा सूबा बने, और इंशाल्लाह वो अब बनेगा। मैं आखिर में मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ जो अभी हाल ही में बड़े अफसोसनाक वाक़े हुए कि फ्रांस के अंदर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई और कोई खाके छपे, तो उसके ऊपर एक जमात ने आके हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक रख के और कहा कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो। अब मैं सारे अपने कौम को कहना चाहता कि हम सब, मैं तो किसी को नहीं जानता जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं करता, अगर कोई नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि
आपको अब सही माने में आपके दिल में ईमान आ सकता ही नहीं जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में नहीं बसते, आप उनसे प्यार नहीं करते। कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है ये तो अल्लाह ही जानता है, नियतों के राज तो अल्लाह के पास है सिर्फ। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि कौन सा हमें अब सबको, अगर हम उनसे इश्क करते हैं और हमें तकलीफ होती है कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो इसका तरीका क्या है कि हम उनको रोक सकें? बाहर के मुल्क के लोग हैं, हम उनको कैसे रोकें? दो तरीके सामने आ गए आपके। एक तरीका TLP का है कि जनाब यहाँ इस्लामाबाद पे हल्ला बोल दो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करो कि जो फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज दें। ये उनका तरीका है, मुजाहरे करो, तोड़ फोड़ करो पाकिस्तान में। तो क्या इससे ये रुक जाएंगे? फ्रांस और यूरोप में जो लोग और अमेरिका में जो ये उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, क्या ये रुक जाएंगे? और एक मेरा तरीका है और मेरी गवर्नमेंट का तरीका है, मकसद एक ही है। हमें तकलीफ होती है ये जब भी कोई उनकी बेहुर्मती करता है, हम सबको तकलीफ होती है। तरीका क्या है इसको खत्म करने का? TLP का तरीका आपके सामने आ गया। मैं, मेरे पाकिस्तानियों, मैं मगरब को सबसे बेहतर जानता हूं। कोई मगरब को इस तरह अंदर नहीं समझता जो मैं समझता हूं। जिंदगी के मेरे 20 साल गुजरे हैं वहां, प्रोफेशनल क्रिकेटर होके यूनिवर्सिटी में वहां गया, मैं उनकी सोच को जानता हूं। ये जो TLP कर रही है कि जी हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो और नहीं तो ये कर देंगे और तोड़ फोड़ हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं, 100 साल आप ये कर लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, बल्कि वो और खड़े हो जाएंगे कि जी ये तो कौम बड़ी तंग नजर है, हम तो आजादी राय के ऊपर, हमारी आजादी राय के ऊपर ये अटैक कर रही है, तो वो तो और खड़े हो जाएंगे, वो तो समझेंगे कि हम आजादी राय के ऊपर स्टैंड लेके खड़े हैं, उसको तो वो दीन समझते हैं। एक मेरा तरीका है और इंशाल्लाह मैं आपको साबित करूंगा कि मेरा तरीका होगा जो कामयाब होगा। और वो तरीका ये है कि मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट से हम बात करें, एक एक मुल्क से, जो हम कर रहे हैं। अभी शाह महमूद ने 4 दुनिया की फॉरेन मिनिस्टर से बात की और वो सब मुत्तफिक है हमारे साथ। सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट को हम इकट्ठा करेंगे, उनसे हम एक मिलके एक अप्रोच, जो उस अप्रोच के जरिए हम जाएंगे यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशंस में, इसका आगाज हम कर चुके हैं। उनको हम कहेंगे कि देखें, आजादी राय के नाम पे 125 अरब मुसलमानों को आप तकलीफ नहीं दे सकते, यहूदियों को आप तकलीफ देते हुए सोच भी नहीं सकते, उनका जो हॉलोकास्ट जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके ऊपर कोई भी मनफी बात कर सके, क्योंकि यहूदी इकट्ठे हैं 4 यूरोपियन मुल्कों में, जेलों में डाल देते हैं कि अगर हॉलोकास्ट के खिलाफ आप कोई भी मनफी बात करें। तो क्या हम 50 मुसलमान मुल्क मिलके क्या हम उनको ये नहीं कह सकते और समझा नहीं सकते कि आजादी राय आप हर चीज पे इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। और फिर अगर आप करेंगे तो फिर जब 50 मुसलमान मुल्क एक लायमल तय करेंगे कि हम आपकी ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, हम आपकी चीजें नहीं खरीदेंगे, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह ये मेरी हुकूमत इस रास्ते पे लगी हुई है और इंशाल्लाह हमारा 5 साल पूरे होने से पहले मैं अपनी कौम को खुशखबरी दूंगा कि सारे इन्हीं ममालिक के अंदर हमारा पैगाम जा चुका होगा
और इनके अंदर भी जिस तरह यहूदियों की ये उनको तकलीफ नहीं देते, उनके दिलों को नुकसान तकलीफ नहीं देते, हमारे लिए भी वो भी कभी भी उनके मुल्कों के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं होगी, और वो मेरे तरीके से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं आखिर में फिर आज एक बड़ा खुशायन दिन है, ये शुरुआत है साउथ पंजाब सूबे की, शुरू हो रहा है सेक्रेटेरिएट से, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, बावलपुर में भी खुलेगा, मुल्तान में भी खुलेगा, और उसके बाद जैसे जैसे लोगों के ये ट्रांजिशन होगी, एक दिन एक पूरा आपको अपना साउथ पंजाब का सूबा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।